लाया था, और उससे पहले भी और आए हैं, जैसे कि आपने लूमा का भी देखा था हमारे चैनल पे, और क्रिया, बहुत सारे AI हैं। लेकिन जो कलिंग AI है, इस पे आप देख पा रहे हो कि ये बहुत खूबसूरत वीडियो आप देख रहे हो, इसमें बहुत रियलिस्टिक सा लुक आ रहा है। हाँ, इसके लिए जब आप इसमें आके, यहाँ पे आपको पर डे 66 क्रेडिट मिल रहे हैं, जो कि 24 आवर के लिए आपके पास है, और इसका आप यूज कर पा रहे हो। पहले ये चीज़ नहीं, ये ग्लोबल लोगों के लिए नहीं, तो ये देख लीजिए आप इसकी कितना, मतलब बेहतरीन तरीके से इसका क्लिप बना है, और इस तरह से आप इसमें अच्छे अच्छे वीडियो बना पाएंगे। और इसमें आपको क्या है, बस प्रॉम्प्ट आपको देना है इस तरह से, और उसके बाद आप रिजल्ट इस तरह का पाएंगे। और तो मैंने तो पहले अपनी आईडी यहाँ पे मैंने बनाई है, और लॉगिन किया है मैंने अपने, और जीमेल आईडी से या किसी भी आईडी से आप यहाँ लॉगिन कर सकते हो, और यह हमारी आईडी है। और इसमें AI वीडियो और ये है AI इमेज, तो इसमें हम AI इमेज पहले बनाने की कोशिश, तो AI इमेज पे हमने यहाँ क्लिक किया, तो ये क्लिक करने के बाद ये हमारे पास विंडो है जहाँ पे ये प्रीव्यू दिखाएगा, और ये जो है ये आपके प्रॉम्प्ट के लिए, जिसमें आप 2500 वर्ड्स का प्रॉम्प्ट आप यहाँ पे लिख पाएंगे, और अगर आप रेफरेंस में कोई इमेज लगाना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से रेफरेंस इमेज लगा सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपके पास साइज का है कि आप किस साइज पे आपको चाहिए, कि मोबाइल के स्क्रीन के हिसाब से ये, मतलब रील्स वील्स के पर्पस से चाहिए, या मतलब इंस्टा के पोस्ट के लिए चाहिए, तो वो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हो। सबका यहाँ पे 10:24x10:24 का है, और यहाँ ये वाली साइज है, तो मैं अगर मान लीजिए, और ये जो है नंबर ऑफ कितने आपको मतलब चाहिए रेफरेंस इमेज, कितने मतलब ये जनरेट करे आपके लिए, तो इसके लिए आप यहाँ से 4 है, तो इसको आप 2 भी कर सकते हो इस तरह से। सुनो, यही से सॉन्ग बनाते हो, तो सॉन्ग बनाया है अभी, हमारा 15 अगस्त आने वाला है, इंडिपेंडेंस डे हमारे भारत का, तो उसके लिए मुझे बैकग्राउंड सीन्स पूरे तैयार करने हैं, और वो मैं इस कलिंग AI के थ्रू ही जनरेट करूँगा, और देखते हैं कि कैसा रिजल्ट आता है। तो आप आने वाले एक दिन के अंदर आप मेरा वो वीडियो मेरे YouTube चैनल पे जाके और आप देख पाएंगे, एडवांस डिजाइन बाय अनुराग, एडवांस डिजाइन बाय अनुराग मेरा ये YouTube पे चैनल है। तो आता है अब यहाँ पे हम प्रॉम्प्ट चेक करते हैं कि प्रॉम्प्ट कैसे काम करता है। तो मैंने कुछ प्रॉम्प्ट जो है यहाँ पे जनरेट करके ये रखा हुआ है मैंने, और ये काफ़ी लार्ज है, तो मैं कोशिश करूँगा इसको कि कितना ये ले पाता है उसके आधार पे। तो यहाँ पे मैं इस चीज़ को ला के अभी पेस्ट कर दिया, तो ये करीब करीब मेरा आ गया है, 2500 वर्ड का है, लेकिन इसने मतलब ये मेरा प्रॉपर आ चुका है। और यहाँ रेफरेंस है, तो रेफरेंस मैं नहीं दे रहा हूँ, और डायरेक्ट ये वाला जो मूवी वाली या सॉन्ग वाली होती है जो यूट्यूब पे चलते हैं, तो उसके हिसाब से मैं ये स्क्रीन सेट कर रहा हूँ। और ये 40, इसके लिए मेरे पास 0.40 क्रेडिट जाएंगे, जो कि यहाँ पे हमको 66 के आसपास है। तो मैं, दोनों ही मुझे अच्छी लग रही है, एक सीन इस साइड से है और एक वो अपोजिट साइड से है, और ताजमहल इसने अच्छा बनाया है, तो मैं इसको आई एम हैप्पी विद द रिजल्ट, मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ ये वाले शॉर्ट को, और ये मेरा डाउनलोड हो चुका है हमारे फोल्डर में, और एक अच्छी रेजोल्यूशन भी है, थोड़ी सी यहाँ पे ये फटी है, पिक्सल्स खराब हो रहे हैं, लेकिन इतना तो खैर चलता है इसको, और मतलब यहाँ पे आप डिटेल और डालोगे और वो अच्छी जाएगा। तो ये तो हो गया, इसके थ्रू आया, और इसके बाद है मेरा नेक्स्ट जो है ये स्कैन ओवरव्यू में सेकंड है, तो ये चीज़ जो वाले मैंने पहला बनाया था इसी से रिलेटेड, इसकी वीडियो की टेस्टिंग कर लेते हैं अभी हाथ के हाथ। तो ये तो एक तो ये इससे मैंने देख लिया, और बहुत जल्दी ये बना के दे दिया इस ब्रिंग टू लाइफ ये जो है, और एज रेफरेंस दोनों चीज़ है, तो एज रेफरेंस में इसने रख लिया है यहाँ पे, इसको वापस लिया है, मैं इसको रेफरेंस में आने के बाद यहाँ जेपीईजी यहाँ पे बन के आ गया। ब्रिंग टू लाइफ में क्या आता है ये भी हम चेक कर लेते हैं इसका। तो किलिंग ये वाला जो आया है, इसमें आया है इमेज टू वीडियो फॉर्मेट, तो मैं इमेज टू वीडियो फॉर्मेट इसका है, और इसमें मैं इनके होम पेज पे जाके ये भी चेक कर लेता हूँ कि डायरेक्ट AI वीडियो उससे कैसे बनेगा। तो यहाँ भी 2500 का ही है, और सेम ही चीज़ है, तो मैं सेम चीज़ यहाँ पे डाल देता हूँ, मैं जो मेरा प्रॉम्प्ट था पूरा का पूरा,
और इसमें मेरे 16.9 का रेशियो सेट है, 5 सेकेंड का ही मैं बना रहा हूँ, स्टैंडर्ड मोड में है, प्रोफेशनल मोड में ये अपग्रेड करना पड़ेगा मुझे। और कैमरा मोमेंट डिफ़ॉल्ट ही मैं रहने देता हूँ मैं थोड़ा सा, और निगेटिव प्रॉम्प्ट ये सब नहीं डालेंगे हम, मतलब सीधा मैं इसको ट्राई कर लेता हूँ कि क्या रिजल्ट आता है इससे। पीछे मैंने एक वीडियो पे ट्राई भी किया था, जैसे ये वाली वीडियो है, ये वाली वीडियो है मैंने बनाई थी जो बहुत फेमस हो रही है आजकल, आप इंस्टाग्राम पे देखोगे तो ये वाली वीडियो काफ़ी, लेकिन ये इसके रिजल्ट में मैं उतना हैप्पी नहीं हुआ था, क्योंकि ये उस तरह का नहीं बना है, क्योंकि वो उसका प्रोसेस अलग है, वो कुंग फू है वाई और स्टेबल डिफ्यूजन के थ्रू बनता है वो सब, तो वो आने वाले टाइम में मैं बताऊंगा। तो उसके लिए ये वाली वीडियो थी, सी से रिलेटेड था, तो ये थोड़ा सा मुझे सही लगा था। अगर आप देखो इसको तो ये वाला 5 सेकेंड की क्लिप है, तो ये चीज़ तो सही है, ये वाली वीडियो अच्छी अच्छी बनाई थी इसने। तो अब आते हैं करंट में अपने प्रॉम्प्ट पे, और चेक करते हैं कि वो कैसा बना के ये देता है। तो एक तो इसके लिए हमारा यहाँ 65 में से 10 क्रेडिट चले जाएंगे, लेकिन हम इसको टेस्ट करके देखते हैं कैसा बना के देता है। और ये रेफरेंस के साथ है, इमेज के साथ है, तो ये चीज़ तो हो जाएगी, लेकिन इसको मतलब मुझे प्रोसेस ही बताना था कि ये कैसे काम कर रहा है कलिंग है, तो ये इतना इनफ है हमारे लिए। और ये देखते हैं इसमें कितना टाइम लग रहा है, 12:23 में ये शुरू हुआ है और कुछ सेकेंड ही बीते हैं, तो देखते हैं कि क्या बना के देता है ये। तो होल्ड करने का है, और मैं जो ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ये मैं अपने फिल्मोरा के थ्रू कर रहा हूँ, ये फिल्मोरा मेरा ऐप है, इसके थ्रू मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और फिर मैं उसको एडिट करूँगा, तब मैं उसको आगे के लिए मतलब इस पे लेके आऊँगा मैं। और इस पे आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी यूट्यूब के ऊपर, लेकिन आपको मतलब वर्क जो है, वर्क फ्लो हर इंसान का अपना अपना अलग अलग होता है, तो आपका विजन कितना क्लियर है और आप कितना आगे तक का सोच के चल रहे हो और किस तरह से आपको करना है प्रोसेस, तो जब तक ये वीडियो हो रहा है तब तक मैं आपको ये बताऊं कि ये है हमारा सुनो AI, और इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि आप सेकेंड्स में अपने लिए सॉन्ग क्रिएट कर सकते हो, सेकेंड्स में। इस पे आना है और आप अपना आईडी से आप इसको लॉगिन करो, और उसमें आपको क्रेडिट मिलेगा हर रोज, यहाँ पे मेरे 405 क्रेडिट हैं, और यहाँ पे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जिन्होंने अपने अपने गाने ऐसे करके बना रखे हैं, और मेरा जो है वो ये क्रिएटिव अनुराग का है, और इसमें मेरे प्रोफाइल पे आप जब आओगे तो यहाँ आपको बहुत तरह के गाने आपको मिल जाएंगे। इसको अगर मैं प्ले करूंगा तो ये हमारा थोड़ा सा हमारा आनंद भारत स्वतंत्रता का ये बलिदान 78 साल की शान है, हम सबका अभिमान है। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि इसने वीडियो बना दिया है, और ये इसने यहाँ का मीनार ही गायब कर दिया है, मतलब रिजल्ट में अगर आप देखो तो बनाया तो है इसने, लेकिन मतलब मिस करा है यहाँ पर का पूरा पूरा ये कॉलम ही मिस कर गया है। तो ये है कि आप कमांड देते समय आपको ये सब चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ पे आप निगेटिव प्रॉम्प्ट डाल सकते हैं और इन सब प्रॉम्प्ट को इस्तेमाल करके। तो अभी जैसे मैंने ये बनाया, बनाने का सोच रहा हूँ मैं ये गाना, तो असल में मैं इसी गाने के लिए बनाना चाह रहा हूँ, ये जो मैंने सॉन्ग पेट्रियोटिक साउंड में ये मैंने बनाया है इसके लिए बनाया। तो एक तो तरीका ये है कि हम इस वे में इस वीडियो को बना के और फिर फिल्मोरा या किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू इसको एडिट करें। तो क्रिएट वीडियो यहाँ में आया, तो यहाँ आप देखोगे कि ये जो आपका ये पोजीशन है, यहाँ पे आप अपने जो गाना आपने बनाया है यहाँ पे क्रिया AI से, जैसे ये गाना है चाहे ये गाना है कोई भी, तो ये गाना हमने जब यहाँ पे ऐसे करके प्ले किया तो यहाँ पे शेयर करने का ऑप्शन है ऐसे, तो ये कॉपी हो गई लिंक,
तो जब ये कॉपी हो जाता है तो उसके बाद फिर आप इस लिंक को लाके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो ऐसे। और ये पेस्ट करने के बाद जैसे ही अभी एंटर करोगे तो ये गाने का इसमें इसकी जो माइनस पॉइंट है ये 30 सेकेंड तक का आपको गाना क्रिएट करके देगा। और 30 सेकेंड का गाना क्रिएट करके देगा तो आपको जो है 30 सेकेंड के हिसाब से यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होगा और यहाँ वीडियो के बारे में यहाँ पे स्क्राइब करना होगा कि सीन में आप क्या चाहते हो। तो जैसे कि ये मैं बना रहा था ये वाला, तो ये मैंने बनाया है ताजमहल का, ये ऐसा सीन है। इस तरह मैं कुछ और अलग अलग वो करके, और इसी सेम मैं इमेजेस पे अगर बात है तो जैसे मैंने वहाँ पे वो बनाया है कलिंग के, मतलब कलिंग के इमेज मैंने जेनरेट किए थे ताजमहल के। तो ताजमहल में यहाँ पे अगर आते हैं हम और इमेज क्रिएशन पे जाते हैं, यहाँ पे मैंने ये ताजमहल का बनाया था। तो यहाँ आप देखोगे तो ये कॉलम और ये कॉलम कंप्लीट है और ये वाली है, तो इससे रेफरेंस से भी हम उसको जनरेट कर सकते हैं और फिर मतलब वो हो सकता है उस वे में। यहाँ तो मेरा लॉगिन है वो अलग से खोलने की वजह से उसने वैसे दिखाया। तो ये आप देखिए, ये आ गया है हमारे नॉइजी आई और ये मेरे पास ये आ गया है। तो यहाँ से हम इसको 30 सेकेंड से हम इसको खींच के ऐसे मतलब कर सकते हैं, मैक्सिमम 60 का आ रहा है। तो इस वे में हम इसको एक दिन में निकाल पा सकते हैं, इसको 30 30 सेकेंड के क्लिप छोटे छोटे बना के यहाँ से स्टाइल लगा सकते हैं। यहाँ पे ये प्लान आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, अदरवाइज मतलब वही जो ताजमहल मैंने बोला तो वो यहाँ लगा सकते हैं इमेज स्टाइल में। अदरवाइज यहाँ पे आप उसको लिख दो कि वीडियो में मुझे ताजमहल चाहिए और सराउंडिंग और ये सारी चीज़ें आपको लिखनी पड़ेगी और फिर जनरेट करना पड़ेगा। तो मैं आता हूँ अपने अकाउंट में, मैं आपको दिखाता हूँ कि कुछ जो मैंने बनाए हैं मतलब यहाँ पे माई प्रोजेक्ट में जाकर। तो ये मैंने बनाने की कोशिश करी थी, जो अभी आपको मैं गाने बना बता रहा था, तो उसमें मैंने यहाँ पे स्क्रिप्ट ऑफ एन एपिक सॉन्ग एंड सी वेब्स का है ये, और ये सॉन्ग है मेरा यूट्यूब पे, आप जाके जरूर देखें। तेरी बाहों में संभल के देखेंगे, तेरे दिल की धड़कन सुन के देखेंगे, अब चैन सुकून नहीं दिल को, बिन तेरे हम कैसे रहेंगे। अच्छा किया कलिंग ने, तो आप भी इस कलिंग को ट्राई करें और यूज करके देखिए कि कैसा आपको रिजल्ट इससे मिल पा रहा है। और फिर आप हमारे वीडियो पे कमेंट भी कर सकते हैं और कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। बाकी यहाँ पे इनके बहुत अच्छा है, अगर आप इसी वीडियो से बनाना चाह रहे हैं तो आप इसी पे क्लिक करके क्लोन एंड ट्राई कर सकते हैं और वहाँ आप अपना कुछ यूज कर सकते हैं। तो यहाँ जो इसका लड़की का स्माइल बहुत सारा है, ये एक सिटी का वो दिखाया है इन्होंने, तो ये भी जो नियॉन लाइट्स और ये सब हो रहे हैं तो काफ़ी हद तक मतलब अच्छा सा फील दे रहा है। ये दूध वाला आपने देखा ही, और तो यहाँ भी अगर आप देखें तो ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है और हम आपसे मिलते हैं। ये वाली वीडियो मैंने जो बताया था, ये बड़े हो रहे हैं तो ये इसने बनाया है, ये आप देखिए कितना शानदार सा क्लिप है, कितना अच्छा। तो इसमें क्या है कि आप जो बनाने के बाद आप इस वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से, डाउनलोड करने के बाद, या फिर अगर कोई सीन आपको पसंद नहीं आ रहा है, यहाँ पे मान लीजिए ये वाली सीन पसंद नहीं आ रही, तो आप इसमें आके मैन्युअली चेंजेज कर सकते हैं सीन में, और सीन चेंज करने के बाद आप उसको करके और फिर दोबारा रीजनरेट करेंगे, और रीजनरेट करने के बाद फिर आप जो है इसको कर लेंगे फिर। तो इस तरह से बहुत खूबसूरत सा एक मतलब सीन आ जाएगा। ये देखिए आप ज़रा, ये शॉट मतलब कितना नमकली बहुत अच्छे तरीके से हो गया है, और इस प्रकार से मैंने बनाया है और आने वाले टाइम में और भी बना के आपके सामने प्रस्तुत करूँगा।